भारत में कोविड के नए वेरिएंट JN.1 ने दस्तक दे दी है। गाजियाबाद में भी कोविड के 3 नए मरीज सामने आए हैं, उसको लेकर गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर भी है। किस तरह की तैयारियां गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई हैं, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ गाजियाबाद के CMO डॉक्टर भवतोष शंकर जी मौजूद हैं, उनसे जानकारी करते हैं। सर, अब तक 3 मरीज गाजियाबाद में देखे गए हैं जो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, किस तरह की तैयारी स्वास्थ्य विभाग द्वारा? पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, सतर्कता की आवश्यकता है। सारे अस्पताल तैयार हैं, हम बीच बीच में भी कई बार मॉकड्रिल करते रहते हैं। अभी 16 दिसंबर को भी मॉकड्रिल किया हुआ है, बेड्स पूरी तरीके से रेडी है, वेंटिलेटर मॉनिटर सब रेडी है, ऑक्सीजन प्लांट क्रियाशील है, और एक आपको पीछे मालूम होगा कि MG अस्पताल में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का एक प्लांट भी 10 किलोमीटर का लगा हुआ था। तो किसी तरीके से घबराने की आवश्यकता नहीं है, पर सावधानी की आवश्यकता है। तो आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ILI सारी के लक्षण अगर हैं, खांसी नज़ला जुकाम बुखार, तो आप बुखार है तो आप उसकी जांच अवश्य कराएं तथा सावधानी रखें, सतर्कता रखें। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाते हैं तो मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग। ये सभी जो सर आपने बताया, जब कोविड आया था और कोविड के बीच में भी ये सभी बातें लोगों के लिए कही गई थी अवेयरनेस के लिए कि सोशल डिस्टेंसिंग आप रखें और मास्क का इस्तेमाल करें, क्या ये जो नया वेरिएंट आया है JN.1, इसको लेकर क्या कहेंगे, ये कितना इम्पैक्टफुल है किसी भी ह्यूमन बॉडी पर, इसके क्या लक्षण हैं, क्या अलग से कुछ इसमें खास बरतने की ज़रूरत है लोगों को? ये मैंने आपको बताया ना कि ये बिल्कुल कोरोना वायरस ही है। इसके जीनियम सिक्वेंसेस को हमने सैंपल्स भेजे हुए हैं, उनकी रिपोर्ट प्राप्त करते ही और भी इसके बारे में बताएंगे आपको, लेकिन ऐसा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जीनोम सिक्वेंसिंग की आपने बात की, ये कहाँ पर जाती है रिपोर्ट जांच के लिए और कब तक इनकी रिपोर्ट हमें मिल जाती है? जीनोम सिक्वेंसिंग कई लैब्स हैं उनमें जाती है, पर अपने यहाँ से सैंपल डेली जाते हैं, ये संभवतः कल तक हमें रिपोर्ट भी इसकी प्राप्त हो जाएगी। तो गाज़ियाबाद को हाईटेक शहर कहा जाता है, बेहद हाईटेक, दिल्ली से सटा भी है, लेकिन हमारी जो रिपोर्ट्स हैं वो दिल्ली जाती हैं जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए, क्या यहाँ पर गाज़ियाबाद में इस तरह की कोई लैब नहीं है, सुविधा नहीं है अब तक, उसके पीछे क्या वजह मानते हैं? नहीं, ये लैब्स ना कुछ ही जगह पर मैप्ड है एरियाज कि किसको सैंपल्स कहाँ भेजने हैं, तो सारे जगह के नहीं, तो किसी की जो भी इतने पेशेंट्स भी नहीं है, सैंपल्स भी नहीं है, तो इसलिए जो लैब एक्टिव है, जो काम कर रही है, वो दिल्ली की लैब है जो भी इसमें जीनोम सिक्वेंसिंग की रिपोर्ट देती है। पहले भी सर जब कोविड की केसेस बहुत तेज़ी के साथ आ रहे थे तब भी यहाँ पर इस तरह की लैब नहीं थी, तो क्या रिक्वायरमेंट की गई है गाज़ियाबाद में इस तरह की लैब अवेलेबल हो, क्योंकि गाज़ियाबाद बेहद हाईटेक शहर है, आर्थिक राजधानी भी UP की कहा जाता है गाज़ियाबाद को? ये भारत सरकार की लैब है, तो कुछ एरियाज होते हैं ना, सभी जगह इसकी आवश्यकता नहीं होती जीनोम सिक्वेंस की, और रोज़ाना भी नहीं होती है, तो इसकी कुछ एरियाज को मैप कर देते हैं कि अगर एक ही जगह सारा भेज देंगे तो भीड़ होनी शुरू हो जाएगी, तो कुछ लैब को एरिया को मैप कर देते हैं कि ये सैंपल्स इस लैब में, इस एरिया के सैंपल इस लैब में जाते हैं, तो उसके और लैब बहुत ही तत्परता से काम करती है, कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है इसकी, कोई ऐसी आवश्यकता भी नहीं है, तो हमें सिक्वेंस की रिपोर्ट मिल जाएगी कल तक। तब यानी कि ये जो नया वेरियंट है इससे घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप को आप अलर्ट रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, आप ये कहना चाहेंगे? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने की जरूरत नहीं है। ये थे हमारे साथ गाज़ियाबाद के CMO डॉक्टर भवतोष शंकर, जिनका साफ तौर पर कहना है JN.1 जो नया वेरिएंट है ज़रूर कोविड का वेरिएंट है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है, पहले की तरह सतर्कता आप बरतें और सावधानी बरतें। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, गाज़ियाबाद।